knowing exactly what we want to do and seeing that they do it in the best and cheapest way is called scientific management. So guys, welcome to my channel KR Commerce Classes, and in this video we will discuss about scientific management. We have already discussed about nature of principles of management, significance of principles of management, and humne 14 प्रिंसिपल डिस्कस किया था फ्योल साहब ने जो दिया था जनरल मैनेजमेंट का. और अभी हम लोग जनरल मैनेजमेंट से आगे बढ़ के प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल दिया था उनका नाम था एफ डब्ल्यू टेलर. के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं जानते हैं. एफ डब्ल्यू टेलर क्या थे? एक इंजीनियर थे. पहले वो अप्रेंटाइज थे, यानी कि जूनियर वर्कर थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो इतने ज़्यादा तेजस्वी लोग थे ना कि वो बहुत जल्दी ग्रो करके वो मैनेजमेंट के पोस्ट पे पहुंच गए. तो उन्होंने ही कुछ प्रिंसिपल दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो इन्होंने चार प्रिंसिपल दिया. अब वो चार प्रिंसिपल कौन कौन सा था? तो फर्स्ट नंबर था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है. कोई वो नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है. हम कोई काम करने से पहले सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, इसीलिए इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया. ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड नंबर बताया इन्होंने कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी मतलब होता है सद्भावना होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. मार झगड़ा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए, है ना. तो सद्भावना कैसे बना रहेगा? अगर कंपटीशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तगड़ा वाला कंपटीशन रहेगा, तो मारपीट तो होता रहेगा. तो इन्होंने बोला कि कंपटीशन को हटा के आप क्या करो, यहाँ पे आप हार्मनी स्थापित करो, सद्भावना लाओ, एक दूसरे को कोऑपरेट करने दो. जब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो मार झगड़ा खुद ब खुद नहीं होगा. जैसे आप क्लास में जाते हो और अपने दोस्त से पेन मांगते हो, तो आपका दोस्त आपको पेन दे देता है. ठीक है, अगर आपका दोस्त आपको पेन दिया है तो आप उससे झगड़ा नहीं करोगे, है ना, क्लास में झगड़ा नहीं होता है फिर. हाँ, वहीं पे किसी से आपने पेन मांगा और उसने पेन नहीं दिया, फिर देखो ना भाई, एकदम खतरनाक वाला झगड़ा होने वाला है. ठीक है, तो इस तरह से झगड़ा को कम करने के लिए उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करो आप ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लोग आपस में झगड़ेंगे नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा. फिर इन्होंने बताया कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मतलब क्या हो गया कि लोग यहाँ पे खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे को हेल्प करने के बारे में सोचेंगे. अगर मान लो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो काम करने के लिए और सिर्फ अपना काम करके आ जाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी का तबीयत खराब है, कोई रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप गए, अपना काम किया, किसी से बात भी नहीं किया और अपने घर आते हो, तो इसको हम इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं. आप खुद के लिए काम करो, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है. तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन को स्थापित कर देते हो, कोऑपरेशन को इंस्टॉल करते हो कि चलो सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करना स्टार्ट करो, झगड़ा नहीं करना है, आप एक दूसरे को हेल्प करोगे, तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा. उसके बाद क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉई टू ही सर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी. अब देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनाया गया है. यहाँ पे छोटे ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं लगा सकते. वो कौन सा मैनेजमेंट लगाएंगे? जनरल मैनेजमेंट, जो कि फ्योल साहब ने दिया था. तो फ्योल साहब वाला जनरल मैनेजमेंट था और साइंटिफिक मैनेजमेंट किनका है? एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. ठीक है, तो इन्होंने जो ये दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे वर्कर का डेवलपमेंट भी होगा. अब डेवलपमेंट कैसे होगा? तो एक आदमी को एक ही तरह का काम करना पड़ता है, एक आदमी को एक ही तरह का. अगर किसी को अकाउंटिंग करने बैठा दिया ना, तो वो फिर अकाउंटिंग ही करेगा. अगर किसी को परचेज में लगा दिया, तो परचेज ही करता रहेगा हमेशा. अगर किसी को आप इन्वेंट्री में लगा देते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, तो वो दिन भर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेगा. तो अब एक आदमी पूरे महीने, पूरे साल, दो साल, तीन साल तक एक ही काम को बार 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 रिपीट करते जा रहा है, तो वो उस काम में माहिर हो जाएगा. फिर उसको ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो उसको नहीं आता होगा,
है ना, तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, वो भी ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता, तो सबसे ज्यादा क्षमता बढ़ जाता है। अब किसी काम को मैं फर्स्ट डे करता हूँ, फर्स्ट डे करता हूँ तो मैं उतना तेजी से नहीं कर सकता हूँ, भले ही मुझे आता है ना। थियोरी पढ़ के आप चले गए, आप बोले कि मुझे मैनेजमेंट करने आता है, मैं सारा मैनेजमेंट पढ़ के आया हूँ, फिर भी आप उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हो जितने अच्छे से कोई एक्सपीरियंस्ड पीपल कर सकता है। इसीलिए जब आप जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई करोगे तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है भाई। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है उसका सैलरी, और किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उसका सैलरी, दोनों में आसमान और पाताल का डिफरेंस होगा, भले ही आपके पास का नॉलेज कितना भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है जो कि डेवलप कर देता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ये डेवलप होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पता तो चल गया कि क्या क्या प्रिंसिपल है, अब टेलर साहब ने क्या क्या प्रिंसिपल दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो अब हमें पता चल चुका है। अब आप सर पूछोगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको इसका टेक्निक क्या क्या है, तो टेक्निक में फर्स्ट नंबर आता है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना है। फंक्शनल फॉर्मैनशिप मतलब कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम का जायजा लेने के लिए रखा जाएगा। फंक्शनल मतलब कि काम के हिसाब से आप फॉरमैन लगाओगे, सुपरवाइजर लगाओगे, चेक करने के लिए लोगों को लगाओगे। तो टेलर साहब ने बोला कि फंक्शनल फॉरमैनशिप में 8 लोग होंगे। ठीक है, 8 लोग कौन कौन से लोग होंगे, तो फर्स्ट नंबर होगा, सबसे पहले हम आते हैं फैक्ट्री में। एक फैक्ट्री है बहुत बड़ा, फैक्ट्री के अंदर क्या काम होता है, तो फैक्ट्री के अंदर हमारा काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो फैक्ट्री के अंदर कोई एक आदमी तो होना चाहिए ना जो पूरे फैक्ट्री को मैनेज करेगा, तो उस फैक्ट्री को मैनेज करने वाले आदमी का नाम क्या होता है, फैक्ट्री मैनेजर। ठीक है, जैसे ब्रांच मैनेजर होता है हर बैंक का, उसी तरह से फैक्ट्री मैनेजर होता है। अब फैक्ट्री मैनेजर क्या करेगा, पूरे फैक्ट्री को मैनेज करेगा। ठीक है, मैनेजमेंट पता है आपको मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना डेफिनेशन की मैनेजमेंट क्या होता है सर। ठीक है, चलिए, तो वो मैनेज करेगा। अब उसके अंदर में 2 लोग होंगे, कौन कौन से 2 लोग होंगे, तो एक होगा प्लानिंग मैनेजर और दूसरा होगा एग्जीक्यूशन मैनेजर। मतलब कि एक प्लानिंग करेगा और दूसरा उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा, समझ में आ रहा है, एक प्लान करेगा और एक दूसरा कौन होगा, जो दूसरा आदमी होगा वो उसी प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। अब प्लानिंग वाले के अंदर 4 लोग आते हैं और एग्जीक्यूशन वाले के अंदर भी 4 लोग आते हैं। अब ये 4 लोग हैं कौन कौन, तो प्लानिंग वाले के बात करते हैं। प्लानिंग वाले के अंदर जो 4 लोग होते हैं उसमें फर्स्ट नंबर कौन होता है, इंस्ट्रक्शन मैनेजर, इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या काम करेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हो तो आपको कौन सा काम करना है। ठीक है, समझ में आया, इंस्ट्रक्शन दे के चला जाएगा वो। फिर कौन आएगा, फिर आएगा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या बोलेगा कि आपको इधर से ऐसे जाना है और उधर से ऐसे घूम के आ जाना है, मतलब कि वो आपको रूट बताएगा। रूट बता दिया कि कैसे काम होगा, पहला बता दिया क्या काम करना है, दूसरा बता दिया कैसे काम करना है। ठीक है, अब थर्ड नंबर आएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बोलेगा कि देखो भैया, आप यहाँ जमाई राजा बन के नहीं आए हो, है ना, आपको हम पैसे दे रहे हैं और पैसे के हिसाब से हमें काम भी चाहिए, तो आप 1 घंटे में इतने यूनिट, यानी कि अगर आपको 50 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 50 यूनिट बोलेगा कि आपको 1 घंटे में 50 यूनिट प्रोड्यूस करोगे और मिनिमम कॉस्ट में करना है आपको। ये चीज कौन बताएगा आपको, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और हमारा 4th नंबर आता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा, वो होगा एकदम पीटी टीचर जैसा, एकदम स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब कि वो आपका डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा कि आप झगड़ा नहीं करो, शोरगुल मत करो, इधर पान खा के उधर मत थूको, कहीं नहीं खाने के लिए मत बैठ जाओ, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़। तो ये 4 लोग आते हैं प्लानिंग वाले में, कौन कौन से हो गए, फर्स्ट नंबर हो गया इंस्ट्रक्शन क्लर्क, 2nd नंबर हो गया आपका रूट क्लर्क, 3rd नंबर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड 4th नंबर डिसिप्लिनेरियन। 4 तरह के लोग हो गए। अब हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन वाले में। एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन मैनेजर जो होगा उसके अंदर कौन कौन से लोग होंगे, तो एग्जीक्यूशन के अंदर फर्स्ट नंबर होगा स्पीड बॉस। क्या काम करेगा, वो आपका स्पीड चेक करेगा कि हाँ आप सही ढंग से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एकदम स्लो काम कर रहे हो, एकदम फास्ट में काम कर रहे हो, इतना तेजी से काम कर रहे हो कि आधा काम अच्छे से हो रहा है और आधा काम ऐसे ही खराब होता जा रहा है। तो
तो स्पीड बॉस स्पीड चेक करेगा, फिर कौन आएगा, फिर आएगा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या काम करेगा, वो रिपेयर करेगा। अगर आप काम करते करते कुछ चीजें खराब कर देते हो तो फिर वो आके क्या करेगा, रिपेयर करके जाएगा, ठीक है। और एक चीज का नाम तो आप जानते ही होंगे, गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या काम करेगा, तो एक ग्रुप लीडर, इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप लीडर जैसा होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा ग्रुप बना दिया जाता है अलग अलग लोगों का, तो वो ग्रुप बॉस को क्या बोलते हैं, हम गैंग बॉस बोलते हैं। वो चेक करेगा कि हाँ आप सही ढंग से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपके ग्रुप का कोई और बॉस होगा उसको हम गैंग बॉस बोलते हैं। उसके बाद एक लास्ट नंबर आता है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब क्या काम करते हैं, वो आके चेक करते हैं कि हाँ सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने एक चीज गौर किया होगा, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद, तो मान लो कैलकुलेटर खरीदा आपने, तो उसके पीछे देखते होगे लिखा हुआ रहता है कि स्टिकर लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है ओके टेस्टेड। ओके टेस्टेड का मतलब क्या हो गया कि उसको इंस्पेक्ट कर लिया गया, उसको चेक कर लिया गया है। तो ये चीज होता है हमारा किस चीज के अंदर, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर। ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट नंबर टेक्निक है। इसके बाद हमारा सेकेंड नंबर टेक्निक आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या फिक्स कर लेते हैं कि हमारा काम 4 घंटे के अंदर 50 प्रोडक्ट बनना चाहिए, 50 यूनिट प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। अगर 4 घंटे के अंदर 50 प्रोडक्ट नहीं बन पाता है तो हम क्या कर रहे हैं, स्लो काम कर रहे हैं। अगर 4 घंटे के अंदर हम 60 प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा स्टैंडर्ड से ज्यादा काम हो रहा है, यानी कि स्पीड हमारा अच्छा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और सिंप्लीफिकेशन मतलब कि हम काम करने के तरीके को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं, कि पहले क्या होता, बहुत उलझा हुआ काम कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब क्या होगा, हमारा सिंप्लीफाइड वे में काम होगा। तो ये चीज हमारा सेकेंड नंबर टेक्निक आता है। उसके बाद थर्ड नंबर टेक्निक आता है साइंटिफिक वर्क स्टडी। इसके अंदर हम अलग अलग चीजों का स्टडी करते हैं। वैसे हम एक डिटेल डिस्कशन अगले लेक्चर में भी करेंगे, लेकिन मैं नाम अभी बता दे रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट नंबर होता है टाइम स्टडी। हम टाइम स्टडी करते हैं कि हमारा काम सही ढंग से हो रहा है, सही टाइम पे या नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर है मोशन स्टडी। मोशन मतलब गति होता है, यानी कि हम जिस तेजी से काम कर रहे हैं वो सही स्पीड में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम मेथड स्टडी करते हैं। मेथड स्टडी में क्या होता है कि हम जो तरीका अपनाए हुए हैं वो तरीका सही है या गलत है। और हमारा डी नंबर यानी कि फोर्थ नंबर फेटिग्यू स्टडी होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरवल होता है, इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, ये दोनों सही है नहीं है। मतलब कि अगर 4 घंटे काम करते हो तो आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो आप, लेकिन आधा घंटे काम करके आधे घंटे का ब्रेक नहीं ले सकते हो। तो ये इंटरवल हम चेक करते हैं कि हमारा इंटरवल सही है या नहीं सही है। जैसे लंच ब्रेक होता है आधे घंटे का, टी ब्रेक होता है 10 मिनट 15 मिनट का, तो कितना बार टी ब्रेक ले रहे हो आप, एक बार या 4 बार 5 बार, तो इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर हमारा जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब हम हमारे पास अलग अलग तरह के एम्प्लॉई होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं काम करने वाले, तो हम उसमें देखते हैं कि कौन बंदा ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है, किसका स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई है और कौन लोअर स्टैंडर्ड में काम कर रहा है, कौन अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग दे के काम करता है, कौन अच्छे ढंग से नहीं काम करता है। तो जो जितना अच्छा वर्कर होगा उसको हम उसके हिसाब से उसको सैलरी देंगे, उसको उस हिसाब से वेजेस देंगे। तो इसको हम डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले और उनको भी कुछ पढ़ने को मिले। इस लॉकडाउन में देख रहे हो लॉकडाउन कितना वो हो गया है, कि अभी किसी का स्टडी वगैरह नहीं होता है, आपका 12th का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। तो इन सब चीज़ों को साइड रखते हुए हमें पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। आपका अगर कोई दोस्त है जो 12th में है या फिर 12th में गया है अभी, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ये अपडेट, इस तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें फीडबैक ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या चीज़ सुधारना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।